जन्मदिन पर आपके हमने भेजी है अर्जी खुदा को, खुशियों की सौगात मिले सदा आपको, जन्नत में बादशाही मिले, जिंदगी लंबी और ऊंची शान मिले आपको। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, 75वीं अमृत वर्षगांठ आपको। घर को संभालने वाली स्त्री गृहलक्ष्मी कहलाती है, लेकिन परमात्मा के बेहद घर को संभालने वाली और ईश्वरीय कारोबार की दिन रात देखरेख करने वाली मुन्नी दीदी को हम महालक्ष्मी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमेशा से सदा बाप दादा की लाडली रही मुन्नी दीदी उर्फ लक्ष्मी दीदी हम सब ब्रह्मावत्सों और ब्राह्मण परिवार की भी अति स्नेही हैं। यज्ञ की आन बान शान और ब्रह्मा कुमारी की जॉइंट चीफ मुन्नी दीदी को 16 साल की उम्र में परमात्मा का परिचय मिला और उसी एक पल में दीदी को निश्चय हो गया कि ईश्वरीय सेवा ही उनके जीवन का ध्येय है। आश्रम का वातावरण बहुत सात्विक था तो मेरे मन में उसी समय ऐसा आ गया तो जो मैं ढूंढ रही थी वो यही है। और बाबा की ज्योति को जब मैंने देखा, शिव बाबा की ज्योति को, तो उसमें और ब्रह्मा बाबा को साथ में, तो उसमें इतनी खिंचावट थी मुझे ऐसे लगा जैसे मैं इनके बहुत समीप हूँ। वर्तमान में गुजरात जोन की प्रभारी भारती दीदी ने मुन्नी दीदी को ईश्वरीय कोर्स कराया। उसके बाद दीदी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अथक परिश्रम और हमेशा अलर्ट रहने जैसी विभिन्न विशेषताओं के चलते आगे से आगे बढ़ती रहीं। मुन्नी दीदी की इस कामयाबी पर स्वयं भारती दीदी को भी नाज है। आज से तकरीबन 70 वर्ष पहले मुंबई में ज्ञान में चल करके और मुंबई में ही बिरजेंद्रा दादी के पास मैं रहती थी तो बाबा ब्रह्मा समय प्रति समय जब अभी पत्र हमको लिखते थे तो शुरू से लेकर के बाबा के मुख से ये एक महावाक्य बहुत सुनती रहती थी कि इस बच्ची को मैं कलकत्ते में भेजूंगा और बच्ची के कलकत्ते में बहुत सारे कस्टमर हैं, वहाँ गुजराती भी बहुत है, उन सब का इस बच्ची को उद्धार करना है। ड्रामा प्लान अनुसार लौकिक मौसी जी निमित्त बनी हमें कलकत्ते में बुलाने के लिए और जब मैं वहाँ सेवा केंद्र पर सेवा पर उपस्थित थी तो हम सब की अति प्यारी मीठी लाडली हमारी मीठी मुन्नी बहन के लौकिक पिताजी वहाँ आया करते थे। और ये भी एक ड्रामा अनुसार पाठ मिला कि उस आत्मा को 7 दिन का कोर्स मैंने कराया और तब से लेकर के वो भी मुझे कहा करते थे कि मेरी एक ही बहुत लाडली मुन्नी बच्ची है, वैसे नाम तो लक्ष्मी है पर मुन्नी ही कहा करते थे, तो उसकी आपको संभाल करनी है और माँ के समान उसको आपको पालना देते आप जैसा बनाना है। तो मुझे भी बड़ा हर्ष होता था। तेजी से हर कला सीखने का हुनर
गुण ग्राहकता, सहयोग देने की कला, ऐसी कई खूबियां मुन्नी दीदी में मौजूद हैं। यही वजह है कि संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी ने उन्हें हमेशा अपने अंग संग रखा। जैसे उन्हें पूर्व अनुमान हो गया था कि आगे चलकर मुन्नी दीदी को ही बेहद के इस कारोबार को संभालना है, और आखिर हुआ भी ऐसा ही। आज कितना खुशी का दिन है, हम अपनी अति स्नेही, अति प्रिय मुन्नी दीदी का जन्मदिन मना रहे हैं और दिल से शुभकामनाएं दे रहे हैं। वाह मुन्नी दीदी वाह, मुझे याद आते हैं वो दिन छोटेपन से आपके दीदी के पास और दादी के पास। आपने कितने अटेंशन से और प्रेम से हर एक कर्तव्य आज्ञाकारी बन करके किया, और आपके ग्रहण करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति और सीखने की कमाल की शक्ति, आपने सबके गुण अपने जीवन में ग्रहण किए और आज्ञाकारी बन करके वो वरदान अथवा वर्षा ले लिया, चाहे दीदी जी की विशेषताओं का और दादी जी की पारदर्शिता अथवा बेहद की दृष्टि, और एकदम हर प्रकार से हर डिपार्टमेंट को दीदी दादी जी के होते आपने ऐसे ही संभाल लिया जैसे कि एक बालक अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी को ठीक संभाल लेता है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, आप ऐसी अधिकारी आत्माएं हैं जो शिव बाबा से तो वर्षा लिया ही है, ब्रह्मा बाबा से भी अधिकार है आपका, और साथ साथ दीदी दादी और ईश्वरीय परिवार से भी आप एक स्नेह का, सम्मान का विशेषता आपकी होने के कारण और सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन होने के कारण आप जितनी स्ट्रिक्ट हैं, मर्यादा पूर्वक हर चीज़ करती हैं, उतना फिर हर एक को स्नेह से संभालती भी हैं। तो ऐसी बैलेंस रखने वाली आज्ञाकारी जिम्मेवार बाबा के दिव्य दर्शन को बहुत 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 दिल की मुबारक दुआएं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं ये देखती हूँ कि मुनि दीदी ने बहुत सुंदर अपना पाठ बजाया साकार बाबा के साथ, फिर बाद में दादियों और दीदी बड़ी दीदी के साथ भी, और उसके बाद फिर मोहिनी दीदी के साथ, और आज मुनि दीदी अपने स्टेज पर ऐसे खड़ी है, सारे एंजल्स आपके आजू बाजू घूम रहे हैं और उसमें आप बहुत ही सुंदर पाठ बजा रहे हैं। सभी की सेवा अर्थ विश्व भर की सेवा आप कर रहे हैं। मुन्नी दीदी में एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की सभी खूबियां शुरू से ही मौजूद थीं, जिसे साकार बाबा ने जैसे परख लिया था और उन्हें मधुबन में रहने का वरदान दिया था। वहीं प्रकाशमणि दादी और मोहिनी दीदी ने भी उनको ऐसी कमांडो ट्रेनिंग और पालना दी कि आज वो यज्ञ में आने जाने वाले हर एक की पालना कर रही हैं। मुन्नी दीदी जी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, दादी जी की संभाल करते हुए, दादी जी की तबीयत का ख्याल रखते हुए, दादी जी की आवश्यकताओं पर गौर करते हुए, चाहे वो मधुबन महायज्ञ में हो, चाहे किसी सेंटर पर हो, चाहे हॉस्पिटल में हो। लेकिन मैंने देखा मुन्नी दीदी जी हमेशा दादी जी को होवनहार देवता की नज़र से देखते थे, इसीलिए वो हमेशा चाहते थे कि दादी जी के आसपास हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और रॉयल तरीके से होनी चाहिए। ये खुद भी उन्होंने करके दिखाया और हमको भी साथ में रहते हुए सिखाया। मुन्नी दीदी के अंदर दादियों और दीदियों के साथ रहते रहते बहुत कुशल प्रशासन की योग्यताएं आप में देखने में आती हैं। सारे विश्व में आपकी इस विशेषता को सब प्रशंसा करते हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेशन तो सर्वसे अच्छा है और आप बहुत
अपनी बुद्धि को चलाते हैं, एक स्थान पर बैठकर अनेक मधुबन के सभी स्थानों का आप ध्यान रखते हैं, सबको बहुत प्यार भरी पालना देते हैं और आपको मिलकर के हमें दादियों की स्मृति बहुत आती है कि उनकी सभी यादें आपने समा करके दादियों के समान आप भी सभी को पालना, प्यार और अपना अमूल्य समय भी देते हैं। यज्ञ की कारोबार को बहुत ही सुचारू रूप से चला रही है और पंजाब जोन के सर्व भाई बहनों की यही शुभकामना है कि हमारी प्यारी मुन्नी बहन जी का आयु लंबी हो, सेंचुरी पार करें, सदा स्वस्थ रहे और ऐसे ही यज्ञ कारोबार को अच्छी तरह से आगे बढ़ाते रहें, यही हमारी शुभकामना शुभ भावना है। आपने पूरा जीवन ईश्वरी सेवा में लगाया है, आपके अंदर दादी की बहुत सी विशेषताएं समा गई हैं और आपके व्यवहार से दादी की मधुरता, दादी का बड़ा दिल दिखाई देता है। आपने दादी के संग रहकर उन विशेषताओं को अपने अंदर समा लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। सबको संतुष्ट करना, सबको राजी करना, बड़ी दिल से ये आपकी बड़ी विशेषता रही है, इसलिए आपको सभी बहुत बहुत दिल से प्यार करते हैं, आपका सत्कार करते हैं। ओम शांति। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि हमारी दैवी बहन मुन्नी बहन अर्थात लक्ष्मी बहन जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं उनका आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में संपूर्ण इंदौर निवासी भाई बहन एवं जोन के भाई बहन सब उनको बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों का मानना है कि मुन्नी दीदी कितनी भी व्यस्त हों, वो सभी बहनों के न केवल फोन अटेंड करती हैं, बल्कि समय समय पर उन्हें स्वयं फोन कर सेवा समाचार भी लेती रहती हैं। इतना व्यस्त होते हुए भी फोन अटेंड करती है, जवाब देती है, हर प्रश्न का जवाब भी देती है, खास ध्यान रख कर के भी फोन करती है। बाबा के बेहद यज्ञ से जिसको जो भी सहयोग चाहिए, दादी जी बाबा मम्मा की तरह हरेक को संतुष्ट करती है। कहते हैं ना कि श्रद्धा से हमारे जीवन में ज्ञान आता है, नम्रता से जीवन में मान मिलता है और योग्यता से स्थान मिलता है, और ये तीनों ही चीजें जब जीवन में इकट्ठी हो जाती तब सम्मान मिलता है। तो ऐसी हमारी सम्मानधारी मुन्नी दीदी का आज 75वां बर्थडे हम मनाने जा रहे हैं। तो मुन्नी दीदी मैं यही कहना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप हजारों साल जियो और ऐसे ही दिल से बाबा की सेवा करते हुए अनेक आत्माओं के दिलों की दुआओं को प्राप्त करते रहो। मुन्नी दीदी खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हैं। उन्हें साकार बाबा सहित सभी दादियों की पालना और आशीर्वाद मिले, तो अन्य ब्रह्मा कुमारी बहनें भी उनके भाग्य की महिमा करती नहीं थकती। बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दिया और मैं बाबा का बेहद यज्ञ संभाल रही हूँ, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने भी पी शिव पिता से ज्ञानामृत की अमर प्याली, अमृत प्याली पीकर जीवन बनाई आपने सबसे निराली, पालना का रूप देख देख हुए आप पर सभी वारी वारी,
देखो सारे ब्राह्मण कुलभूषण आए आज आपको देने जन्मदिन की बधाई बधाई बधाई। निराला अद्भुत व्यक्तित्व है आपका मुन्नी बेन। आपके लिए कहूंगी, जग में तारे हैं अनेक, लेकिन ध्रुव तारा है एक। ब्रह्मा कुमारी बहने हैं अनेक, लेकिन मुन्नी बहन है एक। समस्त ब्राह्मण परिवार की पालना कर, सभी ब्राह्मणों की दुआएं प्राप्त कर, सभी के दिलों में बसने वाली भगवान के यज्ञ में भगवान का साथी बनकर पल पल यज्ञ को संभाल कर, यज्ञ वत्सों के बारे में निरंतर सोच कर, उनकी पालना करने वाली प्यारी मुन्नी दीदी के 75वें जन्मदिन पर हम दिल से लाख लाख दुआएं अर्पित करते हैं। आज दादियां हमारे बीच भले नहीं हैं, फिर भी यज्ञ का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और मुन्नी दीदी इस महायज्ञ की देखरेख प्रकाशमणि दादी की प्रेरणाओं से बखूबी कर रही हैं। उनकी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर हर दिल कहता है, दादी तो दादी थी पर मुन्नी दीदी भी हैं, सुभान अल्लाह। प्यारी मुन्नी, हमारे यज्ञ रक्षक प्यारे बाबा के यज्ञ की आन मान और शान को बनाए रखने वाली, हम सबको स्नेह प्यार से निहारने वाली ऐसी मुन्नी के बर्थडे की मैं कितनी ना मुबारक हूँ। कभी भी आपकी चेहरे पर मुरझाइश ना आए, सदा आपका चेहरा खिला रहे, आपका तन सुरक्षित रहे। ये तन केवल आपके लिए नहीं, ये तन प्यारे बाबा के यज्ञ के लिए है और यज्ञ की शोभा है। आपका जीवन बहुत ही वरदानों आशीर्वादों और दुआओं से संपन्न है, इसलिए संगम युग की लक्ष्मी आपका नाम। मुन्नी दीदी जी का आरंभ से ही बहुत बड़ा भाग्य रहा है, आपको प्यारे बाप दादा ने भी वरदानों से सजाया है, साकार में भी अव्यक्त में भी। दादियों ने भी आपको बहुत आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दिए हैं, उनकी पालना से आप इतना आगे बढ़ती रहीं और वो अनुभव आपने जो जीवन में पाया वो सबको बांट रही हो, ऐसी पालना आप सबकी कर रही हैं जो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। साकार बाबा मम्मा बाप दादा दादियों के दिलों में समाई हुई सर्व की दुलारी, सबके दिलों पर राज करने वाली हमारी आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी तथा कमला दीदी जी की अति स्नेही आदरणीय मुन्नी दीदी जी को 75वें जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो। सारे ही इंदौर जोन के तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं, कह कि जो बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह, तो ऐसा ही काम करके आपने अपने जीवन में दिखाया है। जब 1969 में मैं भी मधुबन में आई थी तो आप भी छोटे थे और मैं भी छोटी थी, लेकिन आपने वो छोटी मुन्नी से आप बहुत बड़े बन गए हैं। और वो आपने ऐसे ही नहीं प्राप्त किया है, लेकिन आपने मेहनत करके और जितना मेहनत किया, जितना डेडिकेशन आपका था, उसके अनुसार आगे बढ़े हैं। भगवान ने कितने न सारे बेहद के घर आपकी गोद में दिए हैं संभालने के लिए। तो मैं तो सोच रही थी कि आप कितने न भाग्यशाली हो जिसको स्वयं
महारथियों की प्यार और पालना मिली हो। आपको तो बचपन से ही हमारे बड़ी दीदी की प्यार पालना ट्रेनिंग सब कुछ मिला है, तो आज के दिन हम दिल से आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। देश विदेश के सेवा केंद्रों को निर्विघ्न रूप से चलाने वाली मुन्नी दीदी जी की विशेष पालना ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो पर भी बरस रही है। मैनेजमेंट कमेटी द्वारा मुन्नी दीदी जी को गॉडलीवुड स्टूडियो की देखरेख की जो जिम्मेदारी सौंपी गई, उस जिम्मेदारी को दीदी एक माँ की तरह निभा रही हैं। दीदी जी स्टूडियो द्वारा हो रही पूरे विश्व की ईश्वरीय सेवाओं पर न केवल ध्यान रखती हैं, बल्कि स्टूडियो से जुड़े हर कारोबार में उनकी विशेष दिलचस्पी भी रहती है। गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई जी समेत पूरा गॉडलीवुड परिवार दीदी को प्लैटिनम जुबली की हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता है और यह कामना करता है कि जब तक संगम युग रहे तब तक मुन्नी दीदी की पालना गॉडलीवुड स्टूडियो को यूं ही मिलती रहे। मुन्नी बहन की बात आती है तो मुझे पुराने दिन याद आते हैं। मुन्नी बहन और हमारा संबंध करीब 52 से 54 साल पुराना है। मैं नियमित रूप से दादी ब्रिजेंद्रा जी के साथ जब भी मधुबन आता तभी मुन्नी बहन दादी ब्रिजेंद्रा जी के साथ उनका ख्याल रखते रखते हमारे कनेक्शन में भी आती और हमारा भी ख्याल रखती। उनका ये सिलसिला तब से चालू हुआ जो आज तक चल रहा है। उन्होंने न सिर्फ मेरे साथ किंतु हमारे सारे लौकिक परिवार के एक एक सदस्य के साथ मुन्नी बहन ने अपना नाता निभाया। उसके बाद गॉडलीवुड स्टूडियो का कारोबार शुरू हुआ और मैनेजमेंट कमेटी ने गॉडलीवुड स्टूडियो को मुन्नी बहन के हवाले किया। मुन्नी बहन की निगारी में वो आज हम कारोबार कर रहे हैं। इतना सुचारू रूप से चल रहा है उसका एक कारण उनकी पालना है। मैं एक शब्द में कहूं, मुन्नी बहन पिछले 10 सालों से जो गॉडलीवुड स्टूडियो की पालना कर रही है जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है ना, इस प्रकार गॉडलीवुड स्टूडियो के एक एक भाई बहन इस पालना का लाभ ले रहे हैं और इस पालना का ही रिटर्न बाबा की सेवा को दे रहे हैं। ये मैं कह सकूंगा, इनकी इतनी बड़ी पालना में गॉडलीवुड स्टूडियो को सहयोग है।